हे गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल दिस इज़ स्वाति टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइस अ रैंडम अमेजन हॉल इनमें से बहुत सारी चीज़ें ना अमेजोन के विश लिस्ट में पड़ी रहती थी मेरे बट दिस टाइम आई हैव डिसाइडेड टू परचेज़ ऑल ऑफ दीज इनमें से बहुत सारे आइटम तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हैं सो लेट स्टार्ट द वीडियो नाउ सो फर्स्ट वन आर दीज ब्यूटी ब्लेंडर्स ये मैंने बहुत सारे रील में भी देखा था इंस्टाग्राम पर बहुत लोग परचेज़ कर रहे थे एंड यूज़ कर रहे थे मैंने सोचा मैं भी यूज़ कर लेती हूँ मैंने इनमें से एक जो है आज के मेकअप के लिए यूज़ किया है दिस इज़ द साइज़ ऑफ द ब्लेंडर विच केम एंड आई हैव यूज दिस वन सो इसका साइज जो है गीला करने के बाद इतना बड़ा हो जाता है आई हैव नोटिस्ड कि ये वाले जो ब्यूटी ब्लेंडर है ना थोड़ा सा ज़्यादा प्रोडक्ट शोकिन कर लेते हैं बट दीज आर प्रिटी गुड एंड क्वाइट स्कूजी सो आपका आराम से जो मेकअप है वो अच्छे से सेट भी हो जाएगा इसी के साथ यहाँ पर ऐसे चार आते हैं एंड एक ये वाला भी है जहाँ पे ऐसे एंगल भी बना हुआ है तो आराम से आप अपने चीक्स वगैरह पे फाउंडेशन को ब्लेंड कर सकते हैं एंड ये थोड़े से छोटो से मिनी साइज़ वाले भी यहाँ पे आते हैं एंड दीज आर क्वाइट क्यूट एंड द कलर इज़ रियली नाइस एक्चुअली आई हैव ऑर्डर्ड दिस इन ब्लू एंड पर्पल कलर बट ये मुझे पिंक कलर में रिसीव हुआ है सो so, कोई भी आपको रैंडम कलर इसमें से मिल सकता है सेकेंड प्रोडक्ट आर दीज स्पन्ज जो पाउडर स्पन्जेज हैं बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं वो ब्लैक वाले भी आते हैं बट मैंने ये ऑर्डर किया है इसमें मुझे चार मिले हैं एंड बहुत छोटू छोटू से हैं ये मुझे अंडर आई के लिए चाहिए थे तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑर्डर किए ये सारे जो प्रोडक्ट के लिंक्स वगैरह हैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक हॉल पैक का लिंक मिलेगा वहाँ से आप जाके इन सबको परचेज़ कर सकती ये वाले ब्यूटी ब्लेंडर बहुत छोटे हैं एंड इसमें एक प्लस चीज़ ये है यहाँ पर आपको आ, यहाँ पे ऐसे आप इसमें फिंगर को अटका सकते हो ऐसे एंड देन आराम से ऐसे ब्लेंड कर सकते हो अंडर आई पाउडर पफ के लिए बहुत ही परफेक्ट हैं ये वाले एंड इवन आप जब ग्लिटर शेड्स लगाते हो अपने आईलेट पे तो थोड़ा सा फॉल ऑफ हो जाता है तो उसके लिए भी आप आराम से इनको यूज़ करके ऐसे उसको हटा सकते हो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस ट्रैवल साइज फोर इन वन ब्रश ये मार्स का है एंड आई हैव गॉट इन फोर फोर्टी नाइन रुपीज़ लेट मी शो यू आई हैवेंट यूज दिस वन बट इसका जो ऊपर एक ये कबूकी वाला ब्रश मिल जाता है फॉर द फाउंडेशन्स यहाँ पे ये आप अपना ब्लश या फिर पाउडर वगैरह इससे अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो अभी यहाँ पे इसको ओपन करोगे तो इस साइड आपको ये वाला मिलेगा ब्रश फॉर दी आई मेकअप एंड देन अगेन आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हो तो ये थोड़ा सा फ्लैट वाला जो आई मेकअप होता है वो होगा आई एम गेसिंग ये बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं सून आई एम गोइंग टू

बट दिस इज़ अ वेरी नाइस ब्रश मैं इसको यूज़ कर रही हूँ करंटली एंड बहुत ही अच्छे से ये आपकी आई मेकअप को ब्लेंड करता है काफ़ी फ्लफी ब्रश है तो आप इसको लेके आराम से अपने आई शेडो पर पूरी आईलेट पे अगर आपको लगाना है आई शेडो तो आप लगा सकते हो बहुत ही सॉफ्ट ब्रिसल्स हैं सो so, ग्लॉस वगैरह ना आजकल काफ़ी ट्रेंड में है डिफरेंट डिफरेंट कलर के भी ग्लॉस आ रहे हैं सो आई थॉट टू ट्राई वन सो दिस इज ग्लॉस मी लिप ग्लॉस बाय स्विस ब्यूटी इसकी पैकेजिंग जो है बेसिक उनके स्विस ब्यूटी के जैसी लिपस्टिक्स आती हैं वैसी है एंड आई गॉट इट फॉर वन नाइनटी नाइन रुपीज विच इज स्टील बिकॉज ग्लॉसेज काफी महंगे आ रहे हैं आजकल एंड प्लस दिस इज अ क्लियर ग्लॉस तो आप किसी भी लिपस्टिक के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हो नैक्स्ट वी हैव मोस्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ऑन रील्स आपने देखा ही होगा ये लव अर्थ का नाइन लिपस्टिक का शेड सो दिस इज लव अर्थ लिक्विड मूव लिपस्टिक एंड इट इज पैक ऑफ नाइन मिनिएचर्स हैं ये आई गॉट इट फॉर वन ट्रिपल नाइन बट ऑन सेल आप इसको आराम से सस्ते प्राइस में देख सकते हो एंड दीज आर बेस्ट बिफोर थर्टी सिक्स मंथस इसमें यहाँ पे पीछे अगर आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट शेड्स लिखे हुए हैं उनके नाम भी दिए हुए हैं आई हैव यूज ऑन माई लिप्स टूडे एक्सप्रेसो मार्टिनी इनकी ना ये जो लिपस्टिक है इनकी शेड रेंज बहुत अच्छी है मुझे इनके सारे शेड्स जितने भी इसमें हैं वो काफ़ी अच्छे लगे बट आई डोंट लाइक द पैकेजिंग ऑफ दिस लिपस्टिक सो दिस इज द साइज ऑफ द लिपस्टिक एंड इसकी जो पैकेजिंग है ना ये काफ़ी फ्लिमजी एंड थोड़ी सी सस्ती पैकेजिंग जो है वो लग रही है अगर आपके हाथ से ये बॉटल नीचे गिर गई तो इसका ढक्कन तो ज़रूरी टूट जाएगा बिकॉज ये बहुत ज़्यादा वैसा थोड़ा सा प्लास्टिक ही काइंड kind ऑफ of है बट द कलर्स आर रियली रियली नाइस लेट मी गिव यू अ कलर शेड this i have swatched and this is irish coffee this is pretty coffee color i'm going to post a shorts again on this so don't forget to check that out too. next product i have is this आइस रोलर दिस इज़ रियली नाइस आइस रोलर इसको आप आराम से फ्रीज़र में रख दो एक रात पहले एंड देन सुबह जिसको पफीनेस होती है फेस पे तो आप इसको यूज़ कर सकते हो एंड समर्स के लिए तो ये बेस्ट बेस्ट ऑप्शन है आई एम यूजिंग दिस फ्रॉम लास्ट वन मंथ एंड दिस इज़ अ वेरी गो टू प्रोडक्ट ऑफ माइंड पफीनेस हो या फिर थोड़े से वो जो पिम्पल आ जाते हैं आपको जो स्किन के अंदर अंदर रहते हैं गर्मी में आम वगैरह खाने की वजह से सो आप इसको उस पर अप्लाई कर सकते हो एंड दिस इज़ गो product of mine i really like this product next we have girls most essential thing is these breast lifter roller this is uh, uh, usually a breast टेप विच आर क्वाइट ट्रेंडिंग एंड आजकल थोड़े से जो स्लीवलेस कपड़े जो होते हैं ट्यूब कपड़े जो होते हैं उसके नीचे अगर आप ये ब्रेस्ट रोलर यूज करना चाहते हो सो दिस इज फॉर दैट वन आई हैवेंट यूज दिस वन येट सो आई एम नॉट अ बेस्ट पर्सन टू गिव यू एनी एडवाइस ऑन दिस वन दिस इज़ अ फाइव मीटर टेप एंड आई गॉट इट फॉर फाइव फोर्टी नाइन रुपीज ग्रेट फॉर हैवी बस्ट बट मैंने कहीं पर तो देखा है कि इसको उतारने में थोड़ी दिक्कत होती है सो तो पता नहीं मैं कब कैसे इसको यूज़ करने वाली दी नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव इज़ दिस कारमेसी फेशियल रेजर फॉर वुमेन दिस इज इंस्टेंट एंड पेनलेस हेयर रिमूवल फॉर आईब्रोज अपर लिप्स मेनली कि आपके फेस के पूरे बाल निकाल सकता है ये ऐसे इसमें लिखा है बट आई हैव यूज दिस वन ओनली ऑन माई अपर लिप्स एंड ऑन साइड बर्न मैं आईब्रोज पे रेजर यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल इसके लिए मैं पार्लर ही जाना प्रेफर करती हूँ सो दिस पैकेट हैज़ थ्री रेजर्स एंड Let me show you how the razor looks. सो so, ऐसा यहाँ पे रेजर है इसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी है यहाँ पर थोड़ा सा जो इनका मटेरियल है ना वो स्लिप नहीं होने वाला वैसा वाला मटेरियल है इट कम्स विद अ कैप सो इट इज़ ट्रेवल फ्रेंडली टू यहाँ से कैप हटाओ एंड यू विल गेट योर फ्रेश रेज़र यहाँ पे कटने के चांसेस बहुत कम है बिकॉज यहाँ पे छोटे छोटे से बहुत ही जिग्जैग जिग्जैक बने हुए हैं नेक्स्ट आई हैव अ किचन रिकमेंडेशन आई डोंट नो वाई हैव बॉट डीज बट डीज लुक्स वेरी नाइस Let me show you. These are. Here I have थ्री knives. These are pretty gorgeous. मैंने इनमें से कुछ यूज नहीं किया है अभी तक बिकॉज ये मुझे इतने सुंदर रख रहे थे तो मैंने सोचा थोड़े टाइम बाद यूज़ करके देखेंगे यहाँ पे तीन है ये यहाँ से अगर आप ऐसे कवर हटाओगे तो शार्पनिंग मुझे दिख तो रही है काफ़ी अच्छी एंड दिस इज फर्स्ट वन ऐसे ही सेम यहाँ पे ग्रीन एंड एक ये पिंकिश काइंड ऑफ शेड है ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे इसको अगर आप ना अपने काउंटर पे भी रख दोगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाले हैं ये एंड पॉप ऑफ कलर देने वाले हैं आपके किचन में ये तो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा रैंडम प्रोडक्ट हो गया इस हॉल का एंड द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस हॉल इज़ वेरी यूजफुल प्रोडक्ट इज़ दिस सेल्फी स्टिक जो कि बिल्कुल इतनी सी है अगर आप मेरे पाम के अकॉर्डिंग देखोगे तो मेरे पाम साइज से थोड़ी सी बड़ी है और यहाँ से अगर आप इसको ओपन करते हो तो आप यहाँ पे फ़ोन लगा सकते हो इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों तरह से यूज़ कर सकते हो एंड ये आगे की तरफ ऐसे पूरा बेंड भी हो जाता है एंड यहाँ पे एक ये बटन भी मिलता है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो या फिर आपको ऐसे करके सेल्फ़ी लेनी है एंड बटन से आप ऐसे दबाओगे तो सेल्फ़ी खिंच जाएगी एंड ये यहाँ पे फिर से एडजस्ट भी हो जाता है उसके बाद यहाँ पे एज अ ट्राई भी आप इसको यूज़ कर सकते हो एंड इसको बहुत लंबा ये हो जाता है इतना लंबा तो ये हो ही जाता है पूरा दिस इज अ वेरी यूजफुल प्रोडक्ट एंड कॉम्पैक्ट भी है कहीं भी आप इसको लगा सकते हो एडजस्ट कर सकते हो छोटे से बैग में ये आ जाएगा आपका दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो इफ़ यू लाइक मोर सच वीडियोज डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो बाय